शस्त्र बल का प्रतीक है। एक बात बताएं, कोई पहलवान हो और उसके पास अस्त्र शस्त्र ना हो, लेकिन वो पहलवान विश्व चैंपियन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई टीवी का पेशेंट है उसके हाथ में राइफल है और कोई विश्व चैंपियन पहलवान है, तो ईमानदारी से बताओ विश्व चैंपियन पहलवान उस टीवी के पेशेंट के सामने सरेंडर करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो। और नहीं करेगा तो 2 सेकंड में काजू किशमिश गायब हुआ जाता है, क्योंकि शरीर का बल नहीं है लेकिन शस्त्र का बल है। बोलो, पहलवान के पास शरीर का बल है लेकिन उस टीवी के पेशेंट के पास किसका बल है? शस्त्र का बल है। तो शस्त्र का बल, शस्त्र जब साथ में होता है तब शस्त्र का बल होता है। भगवान राम ने कहा कि तुम सब मेरे बल हो, इसलिए बल लंका में मेरे साथ था। लेकिन केवल बल ही बल से काम नहीं चलता है, कभी कभी कारतूस मिस हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं? खूब चलाते रहो लेकिन सारे राउंड मिस हो गए तो बोलो वो पहलवान चटनी बना देगा कि नहीं बना देगा तुम्हारी, जल्दी बोलो। लेकिन सावधान, एक बार शस्त्र धोखा दे सकता है, एक बार शस्त्र बल भी फैल हो सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा कभी फैल नहीं हो सकती है, गुरुदेव की कृपा कभी फैल नहीं हो सकती है, कभी विफल नहीं, सफल ही सफल रहेगी। जाको राखे साइया मार सके ना कोए, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। इसलिए वानरों तुम्हारा बल था, आज भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि तुम्हारा बल मेरे साथ था, लेकिन अगर बल के साथ गुरुदेव की कृपा ना जुड़ी होती तो सफलता मिलने वाली नहीं थी। इसलिए अनुभव करो कि गुरुदेव की कृपा जुड़ गई थी इसलिए सफलता मिल गई। जितने बंदर थे सब चरणों में गिर पड़े, सारे के सारे वानर चरणारविंदों में गिर गए कि धन्य है। वास्तव में ये विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, ओ इनकी कृपा धनुज धन मारे। वशिष्ठ जी ने कहा फिर भी राम इनका परिचय तो तुम दे दो, ये है कौन? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं दे दूं परिचय, भगवान बोले तुम मत दो परिचय, पता नहीं तुम कैसा परिचय दोगे, तुम मत दो परिचय, मैं परिचय देता हूं। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव यही सब सखा, ये सब मेरे सखा है। बोलो भगवान ने बंदर कहा कि सखा कहा, जल्दी बोलो सखा। यह सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ओ भयउ समर सागर कबेरे। ये सब मेरे सखा है, सखा। बोलो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने अपना मित्र बताया। बोलो मित्र का अर्थ बराबरी का होता है कि नहीं? जैसे आप अगर सखा कहें तो सखा मानी बराबरी का, यही अर्थ हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने क्या कहा था द्वारपालों से कि कृष्ण मेरे सखा है? बोलो भैया यही कहा था, कृष्ण मेरे सखा है। द्वारपालों ने कहा सखा, तुम्हारी दशा बता रही है तुम कैसे सखा? कहे दशा को मत देखो, दशा मत देखो, दिशा देखो, दिशा। दिशा मानी लक्ष्य, दिशा मानी क्या होता है? लक्ष्य। मैं अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आया हूं और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा सखा नहीं है कि धोखा दे जाए, वो ऐसा सखा है कि मेरा नाम सुनेगा तो दौड़ा चला आए, मुझे विश्वास है। क्यों भाई? ऐसा सखा है कि वो दौड़ा चला आएगा नाम सुनते ही, तुम मेरा नाम तो बता दो, मेरा नाम सुदामा है, बस इतना ही कहना है, इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत है?
अच्छा बोलो भैया, सुदामा नाम सुनते ही भगवान दौड़ के आए कि नहीं आए? बोलो आए कि नहीं? इसका मतलब है कि सखा का संबंध संपत्ति से नहीं होता है प्यारे, सखा का संबंध संपत्ति से ही होता है। ऐसा मत माना करो कि संपत्ति वालों से ही हम दोस्ती करेंगे। यदि सखा बनाना है तो सुदामा जैसे सिद्धांतवादी को सखा बनाओ प्यारे। संपत्ति से प्रभावित मत हो, सिद्धांत से प्रभावित हो। किससे प्रभावित होना चाहिए? सिद्धांत से प्रभावित, संपत्ति से नहीं। अगर संपत्ति से भगवान प्रभावित हुए होते तो रावण को सखा बना लेते कि नहीं? बोलो जल्दी, रावण को सखा बना लेते? लेकिन नहीं, भगवान ने सखा तो बंदरों को बनाया, भगवान ने सखा निषाद राज को बनाया है। बोलो बनाया कि? कोल किरात भील वनवासी इन सब को भगवान ने सखा बनाया है। इसलिए भगवान उसे सखा बनाते हैं जिसमें सिद्धांत होता है, सिद्धांत से भगवान प्रभावित होते हैं। इसलिए यही सब सखा सुनो मुनि मेरे, भयउ समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। ये और महत्वपूर्ण बात कह दी, बोलो भाई कह दी कि नहीं? कहां भरत तो कहां बंदर, कल्पना करो आप। लेकिन भगवान राम मुंह देखी बात नहीं करते हैं, स्पष्ट कहते हैं क्लियर। इसलिए भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, ये मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं, भरत से ज्यादा प्यारे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत से ज्यादा प्यारे, भगवान राम ने कहा हां भरत से ज्यादा प्यारे। जैसे ही भरत जी ने सुना कि प्रभु ये कह रहे हैं ये सब सखा और भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, तो भरत जी महाराज प्रणाम करने लगे उन बंदरों को, ये तो मेरे प्रभु के सखा हैं। बंदर तो बंदर हैं, बंदरों ने तुरंत कहा कि भरत जी से ज्यादा प्यारे तो हैं लेकिन सीता जी से ज्यादा प्यारे नहीं है, सीता जी से ज्यादा प्यारे नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान राम ने कहा ये क्या प्रमाण है कि सीता जी से ज्यादा प्यारे नहीं है? बंदरों ने कहा मैंने सुना है कि आप ही कह रहे थे, तुलसीदास जैसे संत ने कहा, बड़े बड़े संतों ने कहा कि जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। तो जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय, वो प्रिय नहीं अतिशय प्रिय है। प्यारे भगवान राम ने ऐसी उद्घोषणा की है कि आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रामायण तो आप रोज पढ़ते हैं, बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो नित्य दोहा दो दोहा चार दोहा का पाठ करते होंगे, और नहीं तो प्यारे कभी ना कभी तो पढ़ते ही हो रामायण, नहीं सुनते भी हो पढ़ते भी हो। लेकिन ऐसी बात भगवान राम ने कही है कि सुनकर के आश्चर्य हो जाएगा, और मैं सुना रहा हूं, बस तुमको तो ध्यान पूर्वक सुनना है, मन लगा के सुनना है, क्योंकि आज मुझे जाना भी है ना, और जाना है और जहां जाना है वहां समय से पहुंचना है। लेकिन फिर भी मैं आपको संतुष्ट करके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना संतुष्ट किए निकल जाऊं, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा और राज्याभिषेक करा के ही यहां से जाऊंगा, क्योंकि आज की कथा साधारण नहीं है, महत्वपूर्ण है। वैसे तो रोज की कथा ही महत्वपूर्ण हुआ करती, कथा तो अपने आप में महिमा मंडित है ही है, भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र हैं, कोई भी प्रसंग कहो वो प्रसंग ही महिमा मंडित है। लेकिन आज राज्याभिषेक है, विश्राम दिवस है, इसलिए विशेष रूप से राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा होगी।